देखिए मैं केक काट के दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट और यामी केक बना है। हे एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो से चॉकलेट केक। बहुत ही इजी है, बहुत ही कम चीज में बनेगा और ओरियो कहीं भी कोई है किसी को बहुत इजी से मिल जाएगा। ओरियो का पहले मैं क्रीम निकाल लूंगी, फिर मैं इसको ग्राइंड करूंगी। ये देखिए अलग करके अभी दिखा रही हूँ। तो ओरियो का पाउडर बन गया है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। ये है 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच, और ये है 1/2 टीस्पून। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तो बेकिंग पाउडर और ये ओरियो पाउडर ठीक से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मिल्क डालूंगी। ये 200 ml मिल्क है, 200 ml, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिल्क डालूंगी। अगर कम पड़ेगा तो और ले लूं डाल दूंगी। और ये जो मैं ओरियो का क्रीम निकाल के रखी थी वो भी इसमें मिक्स होगा। और इस केक में शुगर नहीं पड़ेगा, कोई चीनी अलग से नहीं ऐड करना है। देखिए सब ठीक से मिक्स हो गया है, मैं इसको डालूंगी। बेकिंग टिन में इसमें ऑलरेडी बटर पेपर, बेकिंग पेपर लगा के मैं रखी हूँ। अब देखिए ये भगोना 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको मैं गरम की हूँ, बिल्कुल तेज आंच पे इसको गरम करना है। इसके अंदर है नमक और ये लोहे का रिंग। उसके बाद फायर अब मैं स्लो कर दी हूँ। अब मैं इसमें एक केक डाल रही हूँ और ये केक रख के मैं 30 मिनट तक इसको कुक करूंगी स्लो फायर में। ओके, तो 25 मिनट हो गया है, मैं केक चेक कर रही हूँ। अगर नहीं हुआ होगा मैं 5 मिनट के लिए और रखूंगी। लेकिन इधर देखिए 25 मिनट में केक बन के एकदम रेडी है। अब ठंडा हो जाएगा तब मैं चॉकलेट सिरप डाल के दिखा रही हूँ आपको। अब देखिए केक बन के रेडी है, अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा केक बना है और कितना सॉफ्ट है, ओह माय गॉड। तो अब ये केक मैं इसके ऊपर रखूंगी और इसके ऊपर मैं चॉकलेट सिरप डालूंगी। इसे रखूंगी, अब देखिए चॉकलेट सिरप इस केक को डबल यामी कर देगा। आप लोग भी जरूर डालिएगा जो भी ये केक बना रहा है। ये होममेड चॉकलेट सिरप है, मैं खुद बनाई हूँ ये सिरप। ओके, तो आप देखिए धीरे धीरे ये पूरा यामी केक बना है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और जो मैं चॉकलेट सॉस ऊपर से लगाई हूँ उसको लगाने के बाद थोड़ी देर रखने के बाद तब केक काटना है, इसे ठीक से ऊपर से सोख लेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।